सो राम राम जी, स्वागत है मेरे YouTube चैनल समय कटारिया फिटनेस। ऐप दिख रहे होंगे अभी भी ये ना? हाँ दिख रहे हैं। तो भाइयों अपनी डाइट रेडी हो गई है, मैडम ने जैसे भी कर दी थी, अभी कार्डियो करके ही आए हैं। और हाँ, प्री एंड पोस्ट कार्डियो भी दिखाना ही पड़ेगा। तो भाइयों आज की गुड मॉर्निंग हो चुकी है, तो भाई मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये रहेगी, तो आज का जो दिन भी स्टार्ट कर रहा हो कोई भी, तो दिन की शुरुआत अच्छे से करे और अच्छी हेल्दी लाइफ और हेल्दी मील से करे। ठीक है भाई, मैं तो यही चाहूँगा भाई, सारे हेल्दी हो जाएं जल्दी से जल्दी, और फिर बढ़िया बढ़िया फोटोज सबकी आए, फोटोज भी और लाइफस्टाइल। और इंटरनल जितना आप अच्छा रहोगे, एक्सटर्नल उतना ही गुड रहोगे, नहीं तो आपके अंदर वही, किसी के कुछ होता है, किसी कुछ बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो वो नहीं रहेगी। तो भाई सबसे बढ़िया अपने डाइट अच्छे से अच्छे करते रहो, तो मज़ा आ जाएगा और बॉडी में चेंजेस भी देखने को मिलेंगे खुद से। और भाई देखो, एक दिन में तो चेंज होगा नहीं, पर हाँ आप उसको कंटिन्यूअसली करते चलोगे, जितना हो एक तो चाय छोड़ दो और एक 21 दिन के लिए शुगर छोड़ दो। ये चाय में बिना शुगर के तो डटा नहीं जाएगा किसी से। तो ग्रीन, अपनी ग्रीन टी स्टार्ट कर दो, 2 टाइम इनफ रहेगा जो भी वेट लॉस पे है। और जो वेट लॉस पे ना है भाई, वो सुबह उठते ही नींबू पानी पियो, बिना नमक और बिना चीनी का। ठीक है, कभी बोलो कि भाई उसमें तो मैंने चीनी डाल ली, ठीक है भाई, तो वो स्टार्ट करो। मैडम पोछा लगा लियो, तो एक बार इधर आ जा ना, या ना आओ भाई, मेरे मेरे ब्लॉग में थोड़ा ना आओ या। तो भाई जितना हो हेल्दी मील्स स्टार्ट करेंगे अब से, ठीक है ना। तो सबको मैं चैलेंज देता हूँ आपके लिए 21 डेज के लिए, जो मुझे मानता हो प्लीज भाई, रिक्वेस्ट है मुझसे मुझे कि भाई आप 21 दिन के लिए अच्छे से डाइट फॉलो करें। एंड 21 दिन के लिए आप डाइट बेशक है ना, मुझे उस पे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करें, जो भी आप डाइट खाते हैं, चाहे आप गलत खाते हो वो भी मैसेज करें मुझे, ठीक है ना। ये भाई उससे आइडिया रहेगा कि भाई हाँ कितने बंदे डाइट फॉलो कर रहे हैं। भाई जितने भी मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने जितने भी अपने क्लाइंट्स बनाए हैं, जितने भी मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स बने हुए हैं, मैं उनसे डेली पिक्चर्स मंगाता हूँ कि भाई आप क्या खा रहे हो और क्या नहीं खा रहे, ठीक है ना। और कुछ भी गलत खा रहे हो वो भी मुझे भेजो, कम से कम मुझे आइडिया रहेगा कि भाई हाँ इस दिन आपने ये गलत खाया था, तो इस चीज़ से ये दिक्कत हो सकती है आपको, ये चीज़ मत खाना ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में खाना गलत होता है बाहर का। क्योंकि एक हाँ आपने चीट मील करनी है, आपने कर ली, इनफ है, उससे ज़्यादा मत करो कि भाई अगर हफ्ते में 2-3 बार कर रहे हो तो वो सही नहीं रहता। तो मैं तो भाई प्रेफर करूँगा कि भाई आप जल्दी से जल्दी अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में आ जाएं। और भाई जितना हो सके भाई, अपने फैमिली में कोई भी मेंबर हो या कोई भी दोस्त हो, उसको हेल्दी लाइफ में लाने की कोशिश करें, उससे उसका ही अच्छा होएगा और आपका भी अच्छा रहेगा। और आप किसी के लिए इंस्पिरेशन भी बन सकते हैं, जैसे भाई मेरे को बंदे बोलते हैं कि भाई आप हमारे इंस्पिरेशन है, तो ऐसे ही आप किसी के इंस्पिरेशन बन सकते हैं, चाहे कोई सी भी एज हो भाई। ये नहीं है कि भाई जितनी मेरी एज है उतने में ही, सबकी एज में भाई कोई एज नहीं नहीं होती हेल्थ की, ठीक है ना। कि भाई आप बॉडी बना रहे हो कि भाई इस एज में बॉडी बनाओगे, कि भाई मेरे गुरुजी भी बैठे हैं 45 से ऊपर के हो रखे हैं, पर भाई वो आज भी वेट ट्रेनिंग इतनी हैवी करते हैं और इतना अच्छा वर्कआउट करते हैं और इतनी हेल्दी डाइट लेते हैं, वो शायद मेरे से भी नहीं ले जाते। शायद मैं उस लेवल तक जाऊंगा तो मैं क्या क्या पता मैं भी उतनी कर पाऊँ। तो भाई करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी दिन स्किप नहीं करना, एक भी मील स्किप नहीं करनी, जो लिखा हुआ है ट्रेनर ने चाहे मैंने, तो भाई उसको परफेक्टली फॉलो करो। ये नहीं है कि भाई यार भैया मैंने इसकी जगह ये नहीं खाया, ये खा लिया, कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। अगर आप डाइट पे हो तो परफेक्टली, अगर जो अब एक बात बताओ, आप मुझसे डाइट लिखवाने आए तो मैंने डाइट लिखी, तो वो डाइट पूरी करोगे या फिर उसको यूं बोलोगे भैया इसकी जगह मैंने ये खा ली, फिर आपको पता है मैं इसकी जगह ये खा सकता हूँ तो आप वो खा लो, फिर मेरी बात क्यों माननी या किसी ट्रेनर की बात क्यों माननी। तो भाई ट्रेनर से भी गुजारिश है, अपने क्लाइंट्स को देखे रेगुलर, और भाई उनसे प्रॉपर डाइट मतलब शेड्यूल अपना उस पर मंगाए व्हाट्सएप पे फोटोज कि भाई क्या खा रहे हो, क्योंकि भाई कई कई बंदे हैं ना फॉलो करते नहीं है और ट्रेनर के ऊपर नाम लगा देते हैं, भाई ट्रेनर ने ये कर दिया। अरे ट्रेनर ने कुछ नहीं करा, आपने क्या खाया वो बताओ, ठीक है भाई। तो चलो अब ज़्यादा ध्यान पेल दिया मैंने शायद आज, क्योंकि 4 मिनट की तो यही कर दी मैंने। तो चलो भाई अब सीधा आपको जिम में मिलते हैं, नहीं अभी सेकंड मील और दिखाएंगे, फिर आपको सीधा जिम में मिलते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों आ गए अपने जिम में, अब करेंगे अपना वर्कआउट स्टार्ट। भाई आज करने वाले हैं अपना बैक का वर्कआउट। हैं क्या कह रहे हैं? आकाश लगाऊंगा कि पैसे दे दे। कोई पैसे देने मेरे कर दे भेजने, इसके अलग हो रखे तेरे अलग है, कर्जा चढ़ा रहे। थारी गाड़ी रोक लूंगा मैं, हम दो गाड़ी रोकूंगा। चलो चलो भाई एक और लगा दे, दो ही सेट करने बच्चे ने से। चलो ठीक है, वेट वेट फिर बढ़ाना भी तो है ना हर सेट में, पहले ही बढ़ा लोगे। आगे आओ, पीछे ही साइड रहो, हिप को पीछे करो, चेस्ट अप, चेस्ट अप। चलो एल्बो ऊपर रखनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलो 7, 8, चलो 9, चलो एक और है 10। अब वेट इंक्रीज हो जाएगा? नहीं भैया, कह रहे देख लो फिनिश भी होने वाले हैं उनके तो। अगर वेट डाउन हो रहा है तो जल्दबाजी नहीं जीतेंगे, चाहे बोल्ट कर रहे भी कर जबरदस्ती करना, चाहे 8 रैप आ जाए अगले में आ जाए 12 10 आ जाए ना वेट बढ़ाते चलो, चलो 2 चलो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्लो नीचे लेके जाना फिर 2 झूठो भी कहते हैं जी होल्ड करवाओ, नीचे पूरा 4, 5, 6 नीचे पूरा ले जा 7, 8, 9 उठने दे, नौ मारे केवल खरीद भाई हो गया बता देता हूँ, कल बोल दूँ
ऐसे नहीं होते थे सेम है, वो बनाएंगे तो बनेंगे। अब कोई उन्हें तो यहाँ पे नहीं कहेगा भाई मेरे कुछ ऐसे लगेंगे, मैं करवाऊंगा तो सही ना उनमें फिर ऐसे ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे जाएंगे बाहर की तरफ पोलिंग। हाँ भाई आप होंगे बड़े, आप कंसेंट्रेशन कर और पूरे पुल डाउन साथ साथ पैर क्लोज कर घुटने बाहर की तरफ। हाँ कंसेंट्रेशन कर लो। अच्छा ओके सॉरी। हाँ हाँ इतना नहीं देना। हाँ दे। हाँ अब ठीक है, रोकने पड़े हैं पहले घुटने का हल्का यहाँ पे टच कर इसको आराम से, हल्का टच होना चाहिए, लॉक के लिए पैर नहीं उठे टच कर। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ये फर्स्ट दूसरा ओके एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। आप तो ऐसे बैठे हो जैसे बैठ नहीं आए हो।
इतना तो ठीक है फिर। सो आ गए घर। मैं अपना खाना खा के रेस्ट करूंगी, बुबा जी बुबा जी नींद, उनको जाने देते हैं अभिषेक भैया और गीतेश भैया के साथ। तो आप जो कपिंग कराए हो, मैं अपना प्रोटीन पी के खाना खा के मैं अपना रेस्ट करूंगी। तो चलो चेंज करते हैं प्रोटीन। मेरा प्रोटीन नहीं करा। अच्छा मैं वो सॉरी, मतलब मेरा आज प्रोटीन नो, मेरा प्रोटीन आज स्किप। जब मेरा वो वाला आएगा तो मैं पीऊँगी, तो मैं चेंज कर लेती हूँ। नहीं बट मैंने काजू बादाम सच में नहीं, मेरे को वही पसंद आया तुझे पसंद नहीं दो दोस्तों। वर्कआउट करने के बाद आज भाई कपिंग कराने अभी अपना बाइक लेते हुए जितेश, तो अभी एक और बंदा लेटा हुआ है उसने, और दिखाऊंगा उससे ज्यादा दिक्कत हो रही है, स्टिफनेस ज्यादा है। हाँ उसको बहुत ज्यादा स्टिफ लग रहा है, तो फिर भी ठीक है। अपने बंदे हाँ भाई हीरो ठीक है, कैसे लेटर लेटर है लेटर है नीचे। तो भाई इसके भी यहाँ से यहाँ तक है ना पूरे मसल स्टिफ हो रखी थी, तो आज इसको रिलैक्स थोड़ा सा फील होगा, थोड़ा ही होएगा पर हो जाएगा। इससे सर्वाइकल भी है, तो सर्वाइकल के लिए ये लगवा दिए। तो अब इसके बाद आएगी मेरी बारी, मेरे देखो कहाँ कहाँ इंजरी आएगी वो डॉक्टर देख के बताए बता देना तेरे को सही। तो यहाँ पे आओ भाई, बढ़िया गाइड करते डॉक्टर भी, और इसके यहाँ पे भी अभी लगेगा इस एरिए पे स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है। हैं हाँ हेमसिंग भी करवा लेंगे क्योंकि वो भी स्टिफ है ना। चल ठीक है वो और करवा देते हैं। भैया ये क्या जो आप यूज़ कर रहे हो? अच्छा है। टैप में भाई, ये भाई की आज कटिंग होती हुई कटिंग थेरेपी। तो दोस्तों कपिंग करवा के घर आ गए हैं, पर मैडम लग रही है तो नहीं, मैडम ने चिकन राइस बना के रख दिए थे, वो खाने लग रहा हूँ। अब खा पी के भाई अब सीधा चलना पड़ेगा जिम, क्योंकि 4:30 हो गए हैं, तो चलते हैं इसके बाद जिम। चलो जल्दी से फिनिश कर लेते हैं, चलो बाय बाय। तो दोस्तों आ गए अपने जिम में और दोनों हो गए रेड रेड। हाँ, ये कोइंसिडेंस कैसे हो गया है ना? हाँ। तो रेड रेड कैसे हो गए ये? मैंने चलो भाई, और भाई मैं तो दोपहर में ऐसा सोया हूँ, 4 बजे के बाद सोया हूँ मैं जब आने के बाद, और 6:30 बजे इसने उठाया है, तब जाकर डाइट वाइट ली है। पर अब आ गए हम, अब करवाते हैं इनको वर्कआउट, तो दिखाते हैं आपको कैसे तोड़ ताड़ी करूँगा, अब दोबारा से करवा दूँ। मैडम ये बाद में कर लिए यार, बाद में कर लियो। मैं ना गड़े मार दूँ, मैंने हाथ छोड़ रखा भाई, हद होगी यार, हद होगी। क्या स्टार्ट करते हैं फिर वर्कआउट करा दो? तो चलो भाई स्टार्ट कराते हैं बच्चों का वर्कआउट, चलो देख आज तो निशान गया। इसके जैसा इंसान मैंने देखा नहीं। फोन फंसा नहीं है, कल फंसा नहीं। अभी आके पूछ रहा था, अभी पूछ रहा था आके कि सबने बात करी ना, मैंने कहा सबने करी, बट मैंने बोल दिया था उसको कि बाद में कर लिया। ये ट्राई कर रहे थे किसका मिलेगा, उसने पहले कॉल में इसका नाम लिया, सुनो उसने पहले कॉल में इसका नाम लिया, दूसरे कॉल में उसका नाम लिया।
सैगली वाली साइकिल वाली क्या साइकिल वाली यही समझदार है तभी भाग गया कल लगा के मोनू कैसे कर रहा मोनू आया फोन लेने पर उससे कुछ हुआ नहीं देखो सुनो 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 उसने ट्राई भी करा तब भी नहीं मिले उसने ट्राई भी नहीं करा तब भी फोन मिल गया ये भी लाल हो रहा है सुबह करा देना सुबह इन्होंने सुबह ही बोल दिया था विष्णु वर्कआउट नहीं करेगा भैया थे कहाँ इतने दिन थे कहाँ भैया कहाँ गए थे भैया कहाँ गए थे अभी हरिद्वार घुमा के लाए बच्चों को सही बात है अब जहाँ घूम के आएंगे तो वही बोलेंगे क्या बच्चों घुमा के लिए ठीक कहा ना सही बात तो बच्चों को घुमा के लिए अच्छी तो बात है ये मीटिंग क्यों कर रहे हो कर लो बस बस हाँ तू मारा है कि किसके नाम का चुप ही बोला उसने आज मैंने भी लेगी की है बढ़िया रात को पता चलेगा सुबह इसको ज्यादा वेट मरवाओ आज पूरी पूरी कर दो फुल पैसे इसका बदला मैं यहाँ भी ले सकती हूँ पूरा वेट करवा के ऐसा कर दो खड़ा ना हो पाइए अरे इसको एक्सेस मत करो मैं ये बोल रही हूँ चले सात आठ नौ दस पांच होल्ड कर दे दो सेकंड के लिए एक एक दो जल्दी जल्दी कर रही है एक दो एक भी नहीं हुआ एक भी नहीं हुआ तुम अपना ना सिम बदल लो चार,
भाई 12 से कितने जा भाई 12 को 10 ब्रेक तो कम करना होगा 10 कर दो 10 10 और कर दे रेडिशन हो जाए चले चले तुम अपना सिम बदल लो तुम्हारे फोन में 3G चल रहा है और चले किसी के नहीं चलता सी सिम बदल लो ना जियो ले लो नहीं सिम नहीं मतलब इसको दूसरी कंपनी में पोर्ट करा लो रिचार्ज के तो मुझे एक्टिव कराओ पैसा होगा होगा पर पता नहीं ज्यादा रिचार्ज देना वो तो जल्दी में पोर्ट हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं चले जा चले हां काका चल चले इसको ज्यादा देर होल्ड कराओ नहीं हाथों से केक लगाया था पूरा एक मिनट कराना कराओ उसको कराओ क्या वो मेरा जब तक रिवेंज भैया ने लिखा है सेल्फ मेड और यहाँ पे देखो स्माइली वर्ल्ड स्टेट ऑफ माइंड चलो भैया को इतना छोड़ देना खड़े हो घर चले जाएं चालू हाँ चालू है चलो ऊपर वेरी गुड वन आज परफेक्टली मारे दो तीन सुनो मारो चार पाँच चार आठ नौ दस दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह लगाओ सत्रह अठारह दो रह गए बुढ़ी हुए पर रह गया चल 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 च
चले एक्सरसाइज वो कर लेगा ओ भाई उठा उसको ना संजू की याद आ रही है वो वीडियो कॉल कर रहा था इतनी याद में डूबेगी डंबल नहीं दिख रहा अंधा नहीं बहरा किसके आधे सन की भी है यूट्यूब पे आज कैसे रेड रेड हो रहे हैं तुम लाल मिर्ची अगर वो तो मैं भी रेड लाल मिर्ची और साथ में बैठे हो लाल लाल साथ में बैठे हो ये समझ ले संजू बैठी है पीछे कमॉन नहीं विशुड़ा विशुड़ा चल चल इस विशुड़े को देख लो और पीछे सुनो ये विशुड़ा और ये संजुड़ी अरे वो नहीं लग रही उसे दूर वो संजू नहीं लग रही क्या नहीं भूलू कल किसने देखा है अब हाँ वो तो मुझे याद है वो तो मुझे याद है वो तो बदला मैं इनके बर्थडे में भी ले सकती हूँ इसके लिए पीओपी का घोल लाऊंगी छूटे बिना महंगा पर सस्ता हाँ महंगा और सस्ता वही ले आओ वही ले आओ ना कल बर्थडे है ना इसलिए अरे तुमने नहीं कटवाया विशु के बर्थडे में नहीं जाओगे फिर बाले नहीं कटवाए ये कौन सी एक्सरसाइज दिखा लिया संजू ना बर्थडे कहीं और नहीं
ब्लॉग बंद नहीं होगा, संजू को दिखाना है। रात का क्या प्लान है भाई? संजू भी है। कहाँ जाना है? रात का प्लान भाई बता देगा तो मैं आऊंगा। 6000 मांग रहा है। हां कहां जाने के? 6000 संजू 6000 पे कर रहा है, कहां जा रहा है? जल्दी बात से मार रहा है भाई खाने के लिए। संजू मजे ले रहा है। अरे संजू पीछे बैठ भाई, क्या कर रहा हूं? वीडियो कॉल कर रहा था पर मिला नहीं शायद। ये कौन सा कम है? इसकी भी तो आई थी कल। वो समझदार नहीं है ना, ना समझ रहा है। पर फिर भी समझ गई वो। भाई भी तो बता रहे थे उसको, अब इससे बात करो, उससे उसने वो सुन लिया शायद। वो कह रहा है भाई। और ऐसे करते करते उसको पसंद आता तो कोई, तो किसी की आवाज़ अंकू क्या होता? अंकू अंकू अगर ऐसी बात करते करते उसको कोई पसंद आता तो फिर इन केस 1% पूरा दिन जाने का रखा उसको। पूरा दिन लगा रखा है वहां पर और दिन रात। बिल्कुल भाई। अच्छा फिर ये हुआ तो मम्मी पापा ब्लॉग देखते हैं? किसके? तुम्हारे? किसी के भी देखते हो? पापा पे फोन नहीं है मम्मी। हां तभी खुल के बोल रहा है। रिश्तेदार मेकअप तो भैया भाभी पे तो होगा। नहीं भैया भाभी पे, भैया भाभी तो देखते होंगे। उनके पास फोन नहीं है? उनका फोन नंबर देना, कल ही बोलती मेरे को फॉलो करो। फोन इसने कल केक लगाया था और वो ब्लॉग देखा जा रहा है, मजे लिए जा रहे हैं। मजा आ रहा है पर आप भी भाई देखना दूर हो गए। कल का देखना, आज का देखना, हमारे बाप रंग गोरा हो गया आज की डेट में। देखना भाई योगिन गोरी सुंदर लग रहे भाई। कोई नहीं कल और गोरे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल फिर फंसेगी ये लग रहा है मेरे को। भाई देखना ये भाई व्लॉग देखा जा रहा है, ये देख लो भाई। कल को किसी ने ना देखा तो एक बार बैक करके देख लेना। ये लगाने गई थी इसमें उल्टा हो गया, वो मजा आ गया। भाभी आपके पास हेमंत आ चुका था, दुपट्टा हटाने आया था और वो दुपट्टा हटा के चला गया, उसने हटाया भी नहीं। ये देखो भाग गया बस, ये इसके बाद जिम में आया ही नहीं। हाँ, इसके बाद इसने एंटर ही नहीं। एक चीज देखो भाई, देख यही था। हाँ दिखा रहा है यहाँ, देखना मैं चाबी उठा के ले गया चुपचाप। चाबी अच्छा भी दिखा रहा है। चाबी लेके उठा के, अच्छा यहाँ मिल गया। चॉकलेट चॉकलेट खिला रहे हैं। ये देखना जीतू कैसे साइड में खड़ा खा ही रहा है, वो भी चक्कू से। ये आ गया ना, ये आ गया, ये ये मैं साफ करने में रह गई। हाँ और कर ले साफ, इसने साफ कर देती पहला। यहाँ नहीं हो पाया ना, लेग कर लगानी है अभी तो काफ है। तो चलो भाई आज का वर्कआउट हो गया डन, सारे आ गए एक बार। तो चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। विष्णु काजल भैया 10:30 हो चुके हैं और कल है विष्णु का बर्थडे। पहले तू बता ले जा कहाँ रहा है, ले जा कहाँ रहा है, कहाँ चलना है भाई बताओ। तू बता जहाँ भी चलो, खुद खुद पे कर लेना। हाँ चलो देख लो, बता तो पहुँचा मैं आ रहा हूँ जल्दी बता। ये ना अब तो 2 तारीख है, सैलरी भी आली हुई। जल्दी बता जल्दी, मजा सर कहाँ चलना है वो जल्दी बता, फिर मैं बोल लूंगा ना वो लोग में।
कर रखा है या नहीं? कर नहीं रखा, वो बता रही थी कहा चलना, बता देना तो, बता तो दे आप, बता उसी को वीडियो कॉल पे लो ना, वो तो ऑफलाइन वीडियो कॉल पे लिए जाए उसको, ऑफलाइन बिजी फंक्शन, ऑफलाइन ही ले ले फिर, ऑफलाइन ले चिट्ठी भेज दो, चिट्ठी भेज दो, कबूतर भेजो, कबूतर एक फोटो, तो चलो भाई हो गया वर्कआउट, हो गया भाई सारा, हो गया भाई, तो कल कहाँ चलना है वो बता दे जल्दी से, हाँ जल्दी से बता भाई, सारे सस्पेंस में हम पकड़ेंगे, ये इसको ले जा तू, चिपक ले रो, चिपक ले, हमने लिया, तो चलो भाई वर्कआउट हो गया कंप्लीट, अब चलते हैं अपने घर, मैडम जा रहे भी और इन्हें भगा भी रही है, चलो भाई राम राम, टेक केयर, तो भाई गुड नाइट बोल दो सारे, टाटा टाटा, फिर तो लेट होगी मैडम, ये पागल हो रहा है मैडम, मैडम बाय, मिशन सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल, अब चलो बाय कर दे, बाय बाय कर भाई, तुम डर की बाय बाय, गुड नाइट, एंड जल्दी बोल, कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ।